हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। ये देखिए कितनी तेज धूप है, दोपहर के 12 बज चुके हैं। एक्चुअली बराबर है अभी दोपहर। ये क्या कर रहे हैं? मैं आज आपको कहीं लेके जा रही हूँ तो हाँ, मैं फोन कर दूंगी। चलिए अब हम चलते हैं। मुझे ऊपर जाना है रोड में, जहां से मैं बेटे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है आसपास में। वहां पे मेरे पापा मेरे वेट कर रहे हैं, उनके साथ में जा रही हूँ मैं। गंपा सिटी कुछ शॉपिंग करनी है, बच्चों की सर्दी के कपड़े लेने हैं। ये देखिए यहाँ पे कौन है, गाय बांधी है यहाँ। बहुत तेज धूप है अभी तो चलिए अब मैं थोड़ा आगे जाके आपको ये दिखाऊंगी। तो रही गाड़ी, मेरे पापा मेरा वेट कर रहे हैं। जल्दी जल्दी में आई मैं अभी 10 मिनट में। चलिए हम चलते हैं। हम निकल चुके हैं अपने घर के पास में, जो ऊपर रोड है वहां से। ये देखिए ये रोड है जो ये आगे गड़ी वाली रोड में मिलता है। ये देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉल भी है, फंक्शन होते हैं यहाँ पे। ये रास्ता, वो पहाड़ियां जो नजर आ रही हैं, वैष्णो माता की पहाड़ियां हैं। बहुत अच्छा नजर आता है यहाँ से। जब सर्दियां होती हैं तो बर्फ पड़ती है तो यहाँ से दिखाई देता है, बहुत सुंदर लगता है। वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियां शुरू हो रही हैं हल्की हल्की सी। अब हल्का सा फैन रखते हैं 2 या 3 पे और कंबल लेना स्टार्ट कर दिए हमने। चलिए अब मैं आगे से दिखाऊंगी आपको। अभी हम पहुंच रहे हैं गड़ी वाले रोड में। ये देखिए अभी हमने मार्केट वाली साइड जाना है, ये दूसरी साइड जम्मू को जाती है गाड़ियां। चलिए अब हम चलते हैं उधमपुर शहर की ओर। आशा है आप भी एंजॉय कर रहे होंगे हमारे साथ में। देखिए कितना सुंदर है हमारा उधमपुर, कितनी हरियाली है आसपास में। अभी हम एक छोटी सी मार्केट में पहुंचने वाले हैं, चोपड़ा शॉप बोलते हैं वहां पे। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा ये, एक लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए हम चोपड़ा शॉप में पहुंच रहे हैं। यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको क्या है। ये देखिए गुड मॉर्निंग रेस्टोरेंट है यहाँ पे। ये सामने गुरुद्वारा है, ये है मार्केट छोटा सा चोपड़ा शॉप का। अभी हम पहुंचे हैं चोपड़ा शॉप से आगे। ज्यादा ही कुछ यहाँ से आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि आर्मी एरिया है, तो हमें ऐसे ही देखना पड़ेगा। दिखाना नहीं चाहती हूँ मैं आगे। देखिए पेड़ है आसपास तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा रास्ता है। गाय भी है यहाँ पे।
हम पहुंचने वाले हैं। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये शहीद कैप्टन तुषार महाजन जी की मूर्ति है, उधमपुर का गर्व। और यहाँ से हम अब आगे निकल चुके हैं, सिटी के लिए जाना है। तो यहाँ से आगे दो रोड हैं, एक ये गुरुद्वारा के साथ में ऊपर सिटी को जाता है शॉर्टकट में, और एक आगे जाता है MH मोड़ वाली साइड में। तो हमें यहाँ से आगे जाना है, शॉर्टकट वाले रास्ते से तो नहीं जाना है, अब हम आगे वाले रास्ते से निकले हैं जिस रोड पे आगे वे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, ये रहा उनका बोर्ड, यहाँ से डिग्री कॉलेज के लिए रास्ता जाता है। तो यहाँ से ये रोड सिटी के लिए जाता है, तो यहाँ से अब हमें जाना है सिटी। हम पहुँच चुके हैं शिवनगर में, देवका वाला जो एरिया है वहाँ पे। ये रे नर्सरी, यहाँ पे बहुत सारे गमले फूल पौधे मिलते हैं, यहाँ से कई बार हमने लिए हुए हैं प्लांट बहुत सारे। अब हम पहुँच रहे हैं प्रॉपर शिवनगर में, जहाँ पर कुलचा बहुत मशहूर है, मामा कुलचा। ये देखिए साइड में पेंटालून देख पा रहे हैं आप, इसके साथ में आगे वी मार्ट भी है। तो फाइनली अब मैं पहुँचने वाली हूँ MH मोड़ के पास में, जहाँ पे मुझे जाना था सामान लेने के लिए। फिर पापा के साथ आई हूँ तो थोड़ा ठीक है, मेटाडोर में तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ये MH मोड़ बोलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत फेमस है विशाल मेगा मार्ट, जहाँ पे मुझे जाना है शॉपिंग करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ आप भी। ये देखिए अब हम पहुँच गए हैं विशाल मेगा मार्ट उधमपुर में। तो चलिए अंदर चलते हैं विशाल में। तब मैंने शॉपिंग कर ली है, सामान ले लिया है, मैं वापस पर पापा के साथ मैं घर जा रही हूँ। मेरा साथ में वी मार्ट जो मैंने पहले बताया था आपको, ये शिवनगर वाला एरिया है, यहाँ पे कुलचा मिलता है, बहुत फेमस है, मेरा पेंटालून पीछे। अब हम यहाँ से आगे घर जा रहे हैं। देखिए अब हम पहुंच गए हैं मारुति शोरूम के पास में, ये रहा मारुति का शोरूम। देखिए कितना सुंदर एरिया है,
आर्मी के एरिया इतना खूबसूरत दिखाई देता है, इतना मेंटेन रखते हैं ये लोग, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, इतना अच्छा है, मन खुश हो जाता है इस जगह से। देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं ये, कितना सुंदर है। थोड़े थोड़े बादल हैं, थोड़ी धूप है, तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर है दृश्य ये। तो अब हम घर पहुंचने वाले हैं, अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, स्नोई को मैंने खाना दिया है, आज देर हो गई है थोड़ा, क्योंकि आज मैं मार्केट गई थी, तो वहां से आने के बाद हर एक काम थोड़ा लेट हो रहा था। पहले सामान देख रहे थे बच्चे, बस फिर ऐसे ही बैठे हुए थे, काफी गर्मी थी बाहर। स्नोई क्या हो गया, खाना क्यों छोड़ दिया? स्नोई ईट करो, ईट स्नोई, नहीं ईट करो। एक्चुअली ये खाना नहीं खा रही है बहुत दिन से, ये उल्टी भी करती है, कई बार मैंने देखा इसको उल्टी करते हुए, पता नहीं क्यों नहीं खा रही है। मुझे कुछ लगता है शायद इसकी फैमिली आने वाली है, ऐसा मुझे शक। बोलो देखिए, हम पे ब्राउनी आ गई है अंदर, ब्राउनी अब खाना खा रही है। स्नोई ने खाना छोड़ दिया है, तो उसी में मैंने और खाना डाल दिया है, तो अब ये खा रही है। चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको गेट के बाहर ले चलती हूँ, अभी इनके लिए पानी भी डालना है, लेकिन अंधेरा है एक्चुअली, मैंने इसकी लाइट ऑन नहीं की पहले। यहाँ पे एक डब्बा रखा है, अब नहीं होगी ऐसे, ये यहाँ पे एक डब्बा रखा है, ये लोग टिकने नहीं देते यहाँ पे डब्बा, सुनोई और ब्राउनी इसको ले जाती हैं, चबाती हैं, मिट्टी में ले जाती हैं, तो इसलिए मैंने ये रखा है, इसमें पानी डाल के रखती हूँ, पीती हैं पानी इसमें से, बहुत गर्मी होती है बाहर। ये देखिए बोइना 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 पीछे देख रही है, यहां से चांद भी नजर आ रहा है। इसने अपना खाना खत्म कर दिया है, ब्राउनी ने खाना खा लिया है, लेकिन इसने भी पूरा नहीं खाया, शायद मैंने ज्यादा ही डाल दिया था। स्नोई को तो जितना डालती हूँ हमेशा उतना ही था, लेकिन उसने वो नहीं खाया, इसको मैंने शायद ज्यादा खाना डाल दिया। अभी मेरे पीछे चाह रही है बोइना बोइना बोइना, हेलो करा तो कर रही है बोइना, ओ गुड गर्ल गुड गर्ल।